नमस्कार, मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल के बारे में, और आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश के नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, मुख्यमंत्री के पास कौन से विभाग रहेंगे, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्रियों के पास कौन से विभाग रहेंगे, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को कौन कौन से पद दिए गए हैं। ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा तो जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले अगर हम मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के पास कौन कौन से विभाग रहेंगे। ऐसे में नियुक्ति, कार्मिक, गृह विभाग जो है वो योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री के पास रहेगा। इसके बाद सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, वही प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, वही अवस्थापना भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी विभाग, ये तमाम विभाग रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। वहीं अब आगे अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्रियों के बारे में तो सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आपको बताते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के पास ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण, ये तमाम विभाग रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य के पास। वही ब्रजेश पाठक के पास चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण यानी चिकित्सा से जुड़े सभी विभाग रहेंगे ब्रजेश पाठक के पास। वही अगर हम बात कर ले आगे मंत्रियों के बारे में, सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। सुरेश कुमार खन्ना के पास वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग रहेगा। इसके अलावा सूर्य प्रताप साई के पास कृषि से जुड़े विभाग रहेंगे, जिसमें कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान के विभाग रहेंगे। वही स्वतंत्र देव सिंह के पास जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण, इसके अलावा लघु सिंचाई, सिंचाई, प्रतिभूमि विकास आदि जो विभाग है वो रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह के पास। बेबी रानी मौर्य के पास महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, ये तमाम विभाग बेबी रानी मौर्य के पास रहेंगे। वही लक्ष्मी नारायण चौधरी के पास गन्ना विकास एवं चीनी मिले का विभाग रहेगा। जयवीर सिंह के पास पर्यटन एवं संस्कृति का विभाग रहेगा और धर्मपाल सिंह के पास पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हस्त तथा नागरिक सुरक्षा का जो विभाग है वो धर्मपाल सिंह के पास रहेगा। नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पास औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI तथा प्रोत्साहन के विभाग रहेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास पंचायती राज का विभाग रहेगा। वही अनिल राजभर के पास श्रम एवं सेवा योजन और समन्वय का विभाग रहेगा। इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद के पास लोक निर्माण का विभाग रहेगा। वही राकेश सचान के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वही खाद्य एवं ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा व वस्त्र उद्योग, तमाम उद्योग के जो विभाग है वो राकेश सचान के पास रहेंगे। इसके अलावा अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के मंत्री बनाए गए हैं। वहीं अब आगे अगर बात करी जाए योगेंद्र उपाध्याय की तो आपको बता दें इनके पास उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के जो तमाम विभाग है वो योगेंद्र उपाध्याय के पास रहेंगे। इसके अलावा आशीष पटेल के पास प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉटमअप जो रहेगा विभाग। आगे बात करें संजय निषाद की तो इनके पास मत्स्य का विभाग रहेगा। आइए बात कर लेते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में। स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों में नितिन अग्रवाल की बात करें तो इनके पास आबकारी एवं मद निषेध का विभाग रहेगा। वही आगे बात करें कपिल देव अग्रवाल की तो इनके पास व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास का विभाग रहेगा। रविंद्र जायसवाल के पास स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन का विभाग रहेगा।
वहीं संदीप सिंह के पास बेसिक शिक्षा का विभाग रहेगा और गुलाब देवी के पास माध्यमिक शिक्षा का विभाग रहेगा। गिरीश चंद्र यादव के पास खेल एवं युवा कल्याण का विभाग रहेगा। धर्मवीर प्रजापति को कारागार एवं होमगार्ड विभाग का मंत्री बनाया गया है। एससी मरोन के पास समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण का विभाग रहेगा। वही जयेंद्र प्रताप सिंह के पास सहकारिता का विभाग रहेगा। दयाशंकर सिंह के पास परिवहन का विभाग रहेगा। वही नरेंद्र कश्यप को पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण का मंत्री बनाया गया है। इनके अलावा दिनेश प्रताप सिंह के विभाग रहेंगे उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात। अरुण कुमार सक्सेना के पास वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन के विभाग रहेंगे और दयाशंकर मिश्र के पास आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विभाग रहेंगे। आइए बात कर लेते हैं राज्य मंत्रियों के बारे में, जिसमें मयंकेश्वर सिंह की बात करें तो इनके पास संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, ये तमाम विभाग रहेंगे मयंकेश्वर सिंह के पास। आगे अगर बात करी जाए दिनेश खटीक की तो इनके पास जल शक्ति का विभाग रहेगा। वही संजीव गोड़ के पास समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण का विभाग और बलदेव सिंह औलख के पास कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान का विभाग रहेगा। अजित पाल के पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विभाग है। वहीं जसवंत सैनी के पास संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास के विभाग रहेंगे। रामकेश निषाद के पास जल शक्ति विभाग रहेगा। मनोहर लाल मन्नू कोरी के पास श्रम एवं सेवा योजन के विभाग। वहीं संजय गंगवार के पास गन्ना विकास एवं चीनी मिले। ब्रजेश सिंह के पास लोक निर्माण, केपी मलिक के पास वन पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन के विभाग रहेंगे। सुरेश राय के पास कारागार का विभाग रहेगा। वह सौमेंद्र तोमर के पास ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा। अनूप प्रधान के पास राजस्व विभाग। वहीं प्रतिभा शुक्ला के पास महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार का विभाग होगा। राकेश राठौर गुरु को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, वही नगरीय राज, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन का मंत्री बनाया गया है। वही उच्च शिक्षा का विभाग रजनी तिवारी के पास रहेगा और सतीश शर्मा के पास खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति का विभाग रहेगा। दानिश आजाद अंसारी के पास अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज का विभाग और श्रीमती विजय लक्ष्मी के पास ग्राम विकास एवं समग्र विकास तथा ग्रामीण अभियंत्र का विभाग रहेगा। ये थे तमाम मंत्री और उनके विभाग। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ। एजुकेशन इंडिया आपके लिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक बड़ी खबर लेकर आ रहा है। आगे हम हर एक योजना को कवर कर रहे होंगे जिनके बारे में योगी सरकार ने घोषणा की है और जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की गई है उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप देखना चाहते हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।